नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। फरुखाबाद में भरे बाजार खड़ी इको कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण यातायात बाधित हो गया और साथ ही लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। वहीं आग के कारण कार जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुट गई है। डेंगू का डंक और मलेरिया के प्रकोप से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सरकार डेंगू मलेरिया से हर हालत में निपटने के दावे भी कर रही है, लेकिन हरदोई का स्वास्थ्य महकमा इससे और गंभीर नजर नहीं आ रहा है। मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में बने इस डेंगू वार्ड में ही लटक रहा ये ताला खुद ही स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलता नजर आ रहा है। हरदोई में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसके बावजूद डेंगू वार्ड में ताला लटकता देखा गया है और संचारी रोग की व्यवस्था जो है उसको भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि सरकारी अभिलेखों में महज 65 ही मरीज पाए गए हैं, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संचारी रोग के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और कई जांचें उपलब्ध हैं। जिला स्तर पे और प्राथमिक स्तर पे भी डेंगू और मलेरिया की जांचें उपलब्ध हैं। इनकी लगातार सर्विलेंस का कार्य चल रहा है। रोकथाम के संबंध में हम लोग ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर से मच्छरों के रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन, लार्विसाइडल और परमिथ्रिम का स्प्रे करा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक में जागरूकता भी करी जा रही है। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक ने डेंगू जैसे संक्रमण को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। दीपक सिंह ने कहा है कि डेंगू के मरीज एक माह से प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बावजूद सरकार की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेड नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर समय रहते ठोस कदम उठाने की मांग भी कर डाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डेंगू से रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ सामान्य मरीज नहीं, डॉक्टर, उनके स्टाफों की मौत हो रही है, सरकार पूरी तरह से बेपरवाह है। उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हो गए हैं, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। सरकार से इसलिए पत्र लिखा है उम्मीद के साथ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चेतेगी, उत्तर प्रदेश के हालात कोविड-19 की तरह भयावह ना हो जाएं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र घोटाले के पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते थे, खुद निरीक्षण करके देख लें, उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। मरीजों में डर है, आम आदमियों में डर है, कहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी निजी कार्य प्रभावित ना हो, लोगों की मौतें ना हो, इसलिए पत्र लिखकर मांग की है। सरकार चेते, सरकार इवेंट मैनेजमेंट से बाहर निकले, मरीजों को बचाने की मौत के से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन रक्षा के इवेंट में काम करें। सहारनपुर में एक स्मैक पीने वाला युवक पब्लिक के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। आपको बता दें कि सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों के बाद भी नशा कर रहे लोगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, साथ ही नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको, सहारनपुर से खबर है जहां पर पब्लिक ने नशा करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और जिसके बाद पब्लिक वहां पर इकट्ठा हो गई और बाइक से उतारकर युवक की जमकर पिटाई की गई, यहां तक कि उसे डराने की भी कोशिश की गई है। बता दें वहां पे कि स्थानीय लोग मौजूद थे और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि युवक की जमकर पिटाई हुई है क्योंकि वो नशे में था।
वहीं हरदोई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एसडीएम की गाड़ी में पुलिस वालों का धक्का लगाना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम अतिरिक्त की गाड़ी में ही पुलिसकर्मी धक्का लगा रहा है। और वायरल वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट भी कर दिया है। सपा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि योगी सरकार की धक्का मार व्यवस्था। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम की गाड़ी को कुछ पुलिसकर्मी धक्का लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरदोई की खबर है कि एसडीएम की गाड़ी में पुलिस वालों ने धक्का लगाया है, जहां पर अब सपा ने तंज भी कस दिया है। साफ तौर पर सपा का कहना है कि योगी सरकार की धक्का मार व्यवस्था है। सीतापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली बिसवा इलाके का है, जहां पर हो रहे अवैध खनन को लेकर लोगों ने खनन अधिकारी को सूचना दी। तो आरोप है कि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे खनन अधिकारी ने कार्रवाई करने के बजाय खनन माफियाओं की जेसीबी मशीन और इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली को चंद मिनट में ही छोड़ दिया। खनन अधिकारी का छोड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को लेकर लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में खनन माफियाओं से बात की तो उन्होंने इस बात को लेकर ही नकार दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मौके पर गए ही नहीं थे। इटावा के अकबरपुर गांव के ही रहने वाले पीएसी के ही तैनात सिपाही के कल तिलक समारोह में कार से बड़ा हादसा हो गया। कार पूजन के दौरान अनाड़ी दूल्हे सिपाही ने कार को 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वहीं दूल्हा बने सिपाही की बुआ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की तहरीर अभी घर वालों ने पुलिस को नहीं दी है। वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि परिजन की तरफ से तहरीर आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि इटावा से खबर है, बताया जा रहा है कि हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं, कार की चपेट में 5 लोग आए बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इसमें हादसे में एक की मौत भी बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर दूल्हा बने सिपाही की बुआ की मौके पर ही मौत हुई है और घटना की तहरीर अभी घर वालों ने पुलिस को नहीं दी है। और वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने बताया है कि परिजन की तरफ से तहरीर आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि कोई एक गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की मृत्यु की सूचना आई है। इस संबंध में अभी तक किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा इकबिल थाने द्वारा की जा रही है। संभल जिले के असमौली में मौजूद कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा से ही लोगों को गुमराह करती रही है। झूठ बोलकर जहां बीजेपी सत्ता में आई है, तो वहीं अपने घर में बीजेपी झूठ की मंडी लगा रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अखंड होगा तो हम अखंड होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, राहुल गांधी 3600 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर जो है वो बढ़ रहा है और किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। ये वही बीजेपी है जिस बीजेपी के 1984 से 1989 तक पूरे देश में केवल 2 एमपी थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीसरा कोई एमपी नहीं था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार कुछ नहीं है। अभी मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो यात्रा के तमाम बिंदुओं के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी ये भी है,
वही प्रधानमंत्री जो कभी मुख्यमंत्री थे, तो देश बिकने नहीं दूंगा। गैस सिलेंडर के 3 रुपए बढ़ गए, डीजल पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ गया, अब 100 के पार हो रहा है, 1200 पहुंच रहा है गैस सिलेंडर। क्या कर रहे हो आप? सितारगंज में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उप जिलाधिकारी ने साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया और वहीं साफ सफाई दुरुस्त न होने के कारण ही उप जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारी को फटकार लगाई है, जिसके बाद आनन फानन में साफ सफाई का काम तेजी से कराया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने PW नगर पालिका अधिशाधी में अधिकारी के साथ बैठक की है और बैठक में शहर की साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और डेंगू के बढ़ते देखते खतरे को साफ सफाई के नगर पालिका अधिकारी को सख्त हिदायत भी दी गई है। सितारगंज से खबर है, आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया है जहां पर साफ सफाई ना होने पर उन्होंने फटकार भी लगाई है और जानकारी आपको ये भी दे दें कि साफ सफाई ना होने के कारण सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सितारगंज में ही मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उप जिलाधिकारी ने साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया है। जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री ने वहाँ दौरा करना है, उससे पहले निरीक्षण किया जा रहा है। साफ सफाई दुरुस्त न होने के कारण ही उप जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारी को, जिसके बाद फटकार भी लगाई है और आनन फानन में ही साफ सफाई का काम तेजी से कराया जा रहा है। और वहीं जिलाधिकारी तुषार सैनी ने PW नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि सख्त निर्देश जो है वो साफ सफाई को लिए दिए गए हैं और अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई। आज ही नगर पालिका योग के साथ जो है और नगर पालिका की टीम के साथ बैठक हुई है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहर की साफ सफाई है उस पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाए और इसके साथ साथ ही जो माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि सभी जो अधिकारी हैं क्षेत्र के इससे संबंधित, वो सभी लोग फील्ड में इसका जायजा लेंगे। तो इसी क्रम में ये नगर पालिका को बताया गया है कि अपनी टीम के साथ और हमें अवगत कराते हुए इसमें साफ सफाई में एक अभियान चला है, इससे कि हम और तहसील के सभी अधिकारी भी इस मौके पर रहकर इसका जायजा ले सकते हैं। डेंगू की तो मेन स्वच्छता ही है, तो साफ सफाई का हम सुबह और शाम दो पारियों में सफाई करवा रहे हैं प्रत्येक वार्ड में और फॉगिंग नियमित रूप से की जा रही है और जहाँ पे भी डेंगू के ज़्यादा मरीज है तो वहाँ स्प्रेइंग ज़्यादा मात्रा में हो रही है और मच्छरदानी जो है हमारे पास, तो वे वितरित करने की भी इसमें हम कर रहे हैं वितरित, जहाँ से भी मांग की जा रही है जिससे डेंगू से बचाव हो सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेन जो है तो शहर की सफाई व्यवस्था में ही ज़्यादा जोर दिया गया है। जो भी व्यक्ति शहर के अंतर्गत जो कूड़ा रास्ते में डाल रहा है तो पहले तो उसी की जिम्मेदारी है कि वो रास्ते में ना डाले कूड़ा, अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर उसको चलाने के लिए हमको निर्देशित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।